दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल मुकाबला समाप्त हो चुका है भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अगर आप भी युवराज को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक की। दोस्तों इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी पाकिस्तान की टीम। पूरी पाकिस्तान ने मिलकर मात्र 156 रन ही बनाए। इरफान पठान की ताबड़तोड़ गेंदबाजी रही। ऐसे में 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते भारत की तरफ से रायडू ने ताबड़तोड़ 50 रनों की पारी खेली। 200 रन के बाद गुरकिरत सिंह ने 34 रनों की पारी खेली। लेकिन जब पाकिस्तान के सईद अजमल ने रायना और उत्तप्पा और रायडू की विकेट निकाली तब जाकर मैदान पर युवराज सिंह और यूसुफ पठान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 200 आधे यूसुफ पठान ने 30 रन जड़ दिए मात्र 16 गेंदों में, 3 छक्के व 1 चौके लगाकर। 200 के बाद युवराज भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जैसे यूसुफ पठान आउट हुए मैदान पर आए इरफान पठान। 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रनों की दरकार थी, आधे ही चौका जड़ दिया इस तरीके से यूसुफ पठान ने और फाइनल मुकाबला 5 रनों से जीत गई भारतीय टीम। जी हां दोस्तों, इंडिया चैंपियंस की टीम ने पाकिस्तान को एक और बार मात दे दी है फाइनल मुकाबले में। 5 विकेटों से इंडिया चैंपियंस की टीम पाकिस्तान चैंपियंस को हराने में कामयाब हो पाई, जिसके चलते इंडिया चैंपियंस की टीम फाइनल मुकाबला जीतकर इस ट्रॉफी को भी जीत गई। लेकिन दोस्तों आप भारत की जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे?